स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली की ट्रेलर के बारे में, जो यशराज फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से प्रेजेंट किया है। इस फिल्म का कंसेप्ट क्या है जो इस ट्रेलर में आपको दिखाया गया है, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। इस ट्रेलर से इतना मालूम पड़ता है ये मूवी बेस्ड होने वाला है बलरामपुर की एक पंडित और उनकी फैमिली के ऊपर, जिसे प्ले किया है विकी कौशल ने। और उसके साथ आपको इस मूवी में विकी कौशल की और एक नाम भजन कुमार है, और बाद में वो भजन कुमार एक मुस्लिम लड़का मालूम होने पर फैमिली, सोसाइटी और रिलीजियस कम्युनिटी से क्या क्या रिएक्शन मिलता है, वो इस मूवी में आपको दिखाने वाले हैं। उसके साथ आपको इस मूवी में रिलीजियस कम्युनिटी की इंटरफेयर कुछ ज्यादा ही दिखाने वाले हैं, जो इस ट्रेलर में भी दिखाए गए हैं। इस मूवी के लीस्टर कास्ट में आपको विकी कौशल के साथ मनुष्य चिल्लर, कुमुद मिश्रा, मनोज पवार और आपको यशपाल शर्मा भी दिखाई देंगे। ओवरऑल ये ट्रेलर मुझे एंजॉयबल लगा। उसके साथ आपको इस ट्रेलर से जितना दिखाया है उससे मालूम पड़ता है इस मूवी की जो कंसेप्ट होने वाला है वो अच्छा है, पर उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं नहीं वो देखना पड़ेगा। ये मूवी आने वाला है 22 सितंबर 2023 को। अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये ट्रेलर कैसे लगा। ये था मेरा रिव्यू द ग्रेट इंडियन फैमिली के ट्रेलर के बारे में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लगातार मेरे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।